देखो यार, बिग बॉस नहीं देखने का जो सबसे बड़ा कारण है ना, वो कारण जो है फिर से दोहराया जा रहा है बिग बॉस 15 में। लास्ट ईयर भी यही हुआ था कि भाई देखते देखते थक गया था कि भाई कुछ और ही चल रहा है, तो कहानी खत्म करते हैं, देखना बंद करते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन विनर होने वाला है। एग्जैक्टली बता रहा हूँ, पिछले 2 साल से मेरे साथ तो यही हो रहा है, और पता नहीं इस साल जो है पहले हफ्ते में ही क्यों हो रहा है। भाई यहाँ पे सलमान खान एक बार फिर से बायस्ड हो चुके हैं और यहाँ पे फुल सपोर्ट किया जा रहा है जय भानुशाली को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस बंदे को आगे ना बढ़ने दिया जाए, लेकिन बात तो सही और गलत के बीच में होना चाहिए ना। देखो कांड बता देता हूँ, प्रतीक ने जो है पिछले हफ्ते एक गेम के बीच में ये किया था कि कोई लड़की अंदर नहा रही है और उसका लॉक जो है उसने बाहर से खोल दिया था, एक तरह से कह दो इन लोगों के हिसाब से तोड़ दिया था, क्योंकि बिग बॉस के मेकर्स और बिग बॉस के कंटेस्टेंट जो है तिल का पहाड़ बनाने में मास्टर है, तो उनके हिसाब से भाई उन्होंने लॉक तोड़ दिया था और एक लड़की की इज्जत को तार तार करने की कोशिश की थी। मतलब जब भी कोई इंसान बाथरूम में नहाने जाता है तो वो अंदर से थोड़ी ना कड़ी लगाता है, वो बाहर वालों के भरोसे रहता है कि वो आकर के हमारा दरवाजा कभी भी नहीं खोलेंगे। पर फिर भी सलमान खान को इसमें माँ और बहन की इज्जत जाती हुई दिखी और उन्होंने सीधा इस चीज के ऊपर में कह दिया कि किसी की माँ बहन के साथ में तू ऐसा करेगा ना तो तेरी माँ की डैश या फिर तेरी तो मैं डैश मार दूंगा। बिग बॉस के इस सीजन में रहम इस तरह से किया गया कि जब सलमान खान गाली दे रहे थे तो कैमरा का एंगल पीछे साइड रखा गया था, पर पब्लिक बहुत समझदार है बॉस, उनको समझ में आ गया होगा कि वो कौन सा गाली दिए, क्योंकि उसके बाद से प्रतीक की शक्ल जो है ना वो एकदम से उतर गई और कोई भी इंसान हो नेशनल टेलीविजन पे किसी बड़े स्टार के मुंह से गाली सुनने के बाद में उसका मोराल का क्या होगा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जब आम आदमी पब्लिकली किसी दोस्त से गाली सुन लेता है तो उसके साथ झगड़ा कर बैठता है, यहाँ तो नेशनल टेलीविजन की बात हो रही है। चलो मैं मानता हूँ, क्योंकि मैंने इंसिडेंट को देखा और जितना दिखाया गया उसके हिसाब से ये मानता हूँ कि भाई उसकी गलती थी, लेकिन एक लड़की की इज्जत जाने की बात कहाँ से आई? यहाँ पे ये सीन तो नहीं ना हो रहा था कि दया दरवाजा तोड़ो और उसके बाद से अंदर का जो भी है देख लो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन फिर भी इसको इस तरह से बढ़ा चढ़ा के बोला गया, पर उस इंसान का क्या जिसने प्रतीक को सीधा बॉडी शेम कर दिया कि चल बे डेढ़ फुटिया, चल चल जा इधर से, इस वाले सीन के बारे में कौन बात करेगा? या फिर तेरी माँ तेरी बहन जो गाली दिया उसके ऊपर में जिस तरह से प्रतीक ने रिएक्ट किया, क्या वो दिखा नहीं किसी को? क्योंकि बात यहाँ पे होती है हाथापाई ना किया जाए, अगर वो सिर्फ बातों बातों में कहानी खत्म हो जाती तो सलमान खान ने नहीं देखा चलो समझ में आता है, लेकिन इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ जिसके वजह से प्रतीक जो है पूरी तरह से भड़क गया था, उसके बावजूद भी सलमान खान को नहीं दिखा कि भाई जय भानुशाली नेशनल टेलीविजन पर किसी की माँ और बहन निकाल रहा है तो उसको भी डांटना बनता है? नहीं, उसको ये बोला गया कि देखो यार तुम्हें मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम ऐसे नहीं हो, लेकिन अंदर में जाके जो कर रहे हो ना ये तुम्हारे इमेज के लिए बहुत खराब है। मतलब इमेज कंट्रोलिंग समझ रहे हो, सल्लू भाई तुम्हारे पीआर बन चुके हैं, अब तुम्हें जीतने से कौन रोक सकता है? ये सारी चीज देखने के बाद एक ही चीज समझ में आ रहा है कि मेकर्स जब सोच लेते हैं कि इस साल विनर किसे बनाना है तो दुनिया गई तेल लेने, लॉजिक गई तेल लेने, एथिक्स सही और गलत ये सारी चीजें गई तेल लेने, यहां तक कि सलमान खान भी अपने जो करोड़ों रुपए मांगते हैं एक एपिसोड के उसमें पूरे बिक जाते हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जय भानुशाली के लिए मैं हेट फैलाने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन लोगों ने उनको भी अच्छे तरीके से लथेड़ा है कि आपकी वाइफ जो है माही, उसको भी क्या डेढ़फुटिया कहते हुए घर पे घूमते रहते हो? अगर जब भी झगड़ा होता है तो उसको भी यही बोलते हो जा बे डेढ़फुटिया? जहां तक कि बॉलीवुड के मेगा स्टार्स की बात है ना, सलमान, शाहरुख, आमिर, सैफ अली खान या फिर हमारे प्रेसिडेंट जो रह चुके हैं, उन लोगों की भी हाइट कुछ खास नहीं है और नहीं थी, लेकिन उन लोगों को भी जो है ढेर सारा प्यार मिला और उनके काम को सराहा गया। पर यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे जहां तक याद है पिछले कई सीजन में लोगों ने 30-40 की उम्र को बुढ़ापा कहना शुरू कर दिया था, लोग चिचा चिचा कह करके चढ़ाने लग गए थे, जिस पे सलमान खान भड़क करके कह रहे थे कि अगर ये लोग चिचा है तो मुझे क्या बोलोगे तुम लोग। भाई इस चीज को सुनने के बाद मैं घर पे बैठ के क्लैपिंग कर रहा था कि दैट्स कॉल अ होस्ट, इसको कहते हैं भाई जो एकदम सही चीज को पकड़ता है, क्योंकि घूम फिर करके वो बात अपने पे भी तो आ सकती है, लेकिन डेढ़ फुटिया वाली बात भाई इनको नहीं लगी। जबकि कल बोलो परसों बोलो ये जब भी ये आते हैं, जब भी आपके सामने में फुल लेंथ खड़े होते हैं, आप उनके शूज के ऊपर में ध्यान देना, इतने मोटे सोल होते हैं उसके। इस चीज के ऊपर में सलमान खान ने कुछ बोला नहीं, अमेजिंग मैन, यानी डेढ़ फुटिया बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको माँ बहन की गाली दे दिया प्रतीक को, लेकिन जय भानुशाली ने जो माँ बहन की गाली दी उसको भी सेम एग्जांपल सेट करके बताना चाहिए था कि तेरी माँ की, ऐसा बोलूंगा तो बता कैसा लगेगा।
नहीं बोला, वाओ, क्लैप करना चाहिए इस होस्ट के ऊपर में। मतलब इतने करोड़ मिल जाते हैं कि सलमान खान तक खुद को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलो वो मेकर्स की वैसे सुनते नहीं है, पर उनको जिनको सही लगता है, जिनको वो सपोर्ट करना चाहते हैं, वो करके चले जाते हैं। बाकी उसके बदले किसी और की पूरी करियर का तहस नहस हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे वरी नॉट, आप इंतज़ार करो, अभी दूसरा हफ्ता बाकी है और पूरा का पूरा यार 3-3.5 महीना बाकी है। इस 3.5 महीने के अंदर में कहानी कहां से कहां पलटती है वो देखने लायक रहेगा। इस इंसिडेंट के बाद में आई हमारी सबसे बड़ी इंटरटेनर, यानी मैं बात कर रहा हूँ राखी सावंत की, वो आने के बाद में इस चीज़ को कवर अप करने की कोशिश की, और जो उसने कहा वो चीज़ सलमान खान ने भी कह दिया साथ में कि जो भी हो, लेकिन प्रतीक ने इस हफ्ते जो किया है उसके वजह से सबको कुछ ना कुछ करने का मौका मिला है। तो भाई ये तुम कवर अप नहीं कर रहे थे, ये रियलिटी थी, वरना तुम इस हफ्ते ना अपने कंटेस्टेंट से ये कह रहे होते कि कुछ खुलो, कुछ दिखाओ, मुखौटे को उतारो, लोगों को इंटरटेन करो, कुछ तो बातचीत करो, रोमांस करो, झगड़ा करो, कुछ तो करो। ये बोलने की जरूरत नहीं आई, क्योंकि प्रतीक ने ये बेवकूफ़ी की, उसको ये चीज़ नहीं पता था कि यहाँ पे सिर्फ उसे सुनाया जाएगा और दूसरे को जो है वाहवाही किया जाएगा। ये पंप अप करने के बाद भी प्रतीक के जो हालात थे ना वो नहीं बदले। वो देखा जाए तो वीकेंड के वार का फर्स्ट एपिसोड में रो दिया, सेकंड एपिसोड यानी कल की जब बात आई तो भाई यहाँ पे निकी तंबोली को देखा गया प्रतीक को सपोर्ट करते हुए, और इसके अलावा जो है नेहा बासिन भाई वो भी आकर के उसको कह रही थी कि वो अपने जगह पे सही था और उसने जो भी किया वो गलत नहीं था, उसको बहुत अलग तरह से लोगों ने लिया है, अमेजिंग लगा। वहीं पे भाई करण आकर के कहता है कि वो बिल्कुल भी सही नहीं किया। वैसे इन सभी लोगों को जाने दो, निकी तंबोली आकर के सपोर्ट कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये हवा के रुख के साथ चल रही है या फिर सच्ची में इसको सही और गलत दिखने लग गया है, क्योंकि ये वही निकी तंबोली है जो कि अपने सीजन में सबसे ज्यादा सेंसलेस कंटेस्टेंट अगर बोला जाए या फिर सबसे बदतमीज कंटेस्टेंट बोला जाए तो ये वही थी, और आज आकर के प्रतीक को सपोर्ट कर रही है। तो जाने देते हैं इस बात को, लेकिन सलमान खान ने भी उस वक्त एग्री नहीं किया। सलमान खान उस वक्त भी बोल रहे थे कि नहीं, लेकिन उसने जो किया उसने लिमिट क्रॉस कर दिया। तो मतलब किसी की माँ बहन की गाली देना वो लिमिट क्रॉस करना नहीं होता है, जबकि उसी टॉपिक के ऊपर में पिछले साल और उससे भी पिछले साल पूरी दुनिया की ले रहे थे। मतलब ऐसे ऐसे कह रहे थे भाई, जुबैर खान को तो भाई लिटरली केस करना पड़ गया था सलमान खान पे कि वो मुझे नेशनल टेलीविजन पे बेइज्जती कर रहे थे सिर्फ इस बात पे कि हीट ऑफ द मोमेंट में जो मुझसे गाली निकल गई उस गाली के वजह से ऐसा हो गया। जहां तक मैं जानता हूं जितने भी स्टार हैं, यहां तक के फराह खान की भी अगर बात की जाए, ये लोग खुलेआम भद्दी और बहुत ही गंदी गाली देते हैं। मैं खुद सेट्स पे जा चुका हूं, वहां पे ये सारी गालियां हीट ऑफ द मोमेंट छोड़ो नॉर्मली ऐसे ही देते रहते हैं। और सलमान खान क्या कहते हैं कि अगर तुम किसी जगह पे काम करने के लिए गए तो वहां जाके तुम ये करोगे, वो पीछे पड़ गए प्रॉपर्टी तोड़ने की। भाई साहब यहाँ पे लोगों को जो तोड़ देते हैं उसके ऊपर में कुछ बनता है या नहीं, या कुछ भी नहीं। ओके जाने देते हैं, वरना सलमान खान के फैन नीचे में जाके भर भर के मेरी माँ और बहन दोनों को बड़े प्यार देना शुरू कर देंगे। आपसे जो मैं सवाल कर रहा था, सवाल ये था कि आपके हिसाब से क्या लगता है, कौन सही है कौन गलत है, आप यार कमेंट सेक्शन पे जाकर के जरूर बताना। अभी तक मैं कोई फैन बेस की बात नहीं कर रहा हूँ कि किसको किसका फैन है या फिर मैं किसका फैन हूँ, ऐसा मैं अभी तक बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सभी के सभी अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ चिलगुजे लग रहे हैं। और कुछ है तो बहुत ही ओवर टॉप है कि भाई उनका एटीट्यूड एकदम सातवें आसमान को छुरा, और कोई है तो उनको किसी भी कंटेस्टेंट से फर्क नहीं पड़ रहा है, जस्ट लाइक सिम्बा एंड चीता, अमेजिंग है। ये लोग एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इनको जो है किसी भी ड्रामा में नहीं पड़ना है और ना ही इनको इस कॉन्सेप्ट से लेना देना है। ये आ गए गलती से और बहुत जल्दी चले भी जाएंगे, मुझे अभी तक ऐसा लग रहा है, पर पता नहीं नेक्स्ट वीक इन लोगों ने कुछ कहानी पलट दिया तो बात अलग होगी। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, व्हाट्स योर टेक, प्लीज डू कमेंट, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।